हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत बहुत खुश होंगे। और आज के न्यू ब्लॉग में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो मैं एक बार फिर आप लोगों को अपनी कई सारा की सैर कराने ले चलती हूँ। तो चलिए दोस्तों, चलिए अपनी गौशाला में लेके चलती हूँ। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए चलते हैं बाहर का नज़ारा देखते हुए। इतना अच्छा मौसम चल रहा है। तो फाइनली हम आ गए अपनी गौशाला में। देखिए, पहले तो दिखाते हैं आप लोगों को, मैंने अपने छप्पर का थोड़ा बहुत बदलाव कर दिया है। पूरे चारों तरफ से धूप आती थी, थोड़ा मौसम चेंज हो गया है, बारिश बंद हो गई है, बादल एकदम साफ हो गए हैं, तो थोड़ी धूप वगैरह आने लगती थी। तो चारों तरफ से ऐसे बोरे कस दिए हैं, जो चावल वगैरह गेहूँ वगैरह की बोरियाँ होती हैं उसको फाड़ के ऐसे बना दिया है, जिससे धूप ना आए अंदर। और दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी है मेरे लिए भी, और जो मुझे दिल से सपोर्ट करते हैं हमारे भाई बहनों के लिए, उन सभी लोगों के लिए खुशखबरी है। देखिए दोस्तों, एक और HF गाय हमारी गौशाला में आ गई है, उसका स्वागत भी हो गया है। देखिए दोस्तों, और दोस्तों इसको आए अभी 3-4 दिन हो गए हैं। एक प्रेग्नेंट आई थी, पर इसने बच्चा हमारे यहाँ आकर ही दिया है, तो वो भी आप लोगों को बताएंगे कि इसने क्या दिया है, क्या बच्चा दिया है, बच्चिया है या बच्चा। इससे पहले वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, पहले गाय को दिखाएंगे आप लोगों को। देखिए दोस्तों, ये है बहुत ही प्यारी गाय, HF नस्ल की गाय है दोस्तों, देख सकते हैं। दूसरा ब्यांत है दोस्तों इसका, और उधर मंडी में तो 40 लीटर दूध बताया था उसका कि 40 लीटर दूध निकालेगी, और अभी इसको एक ही दिन हुआ है बच्चा दिए, तो अभी इसकी अभी ये दूध पर नहीं है। 8 दिन में देखो, 8 दिन में दूध पर आएगी तो पता चलेगा कि कितना कितना मिल्क करेगी ये हमारे यहाँ। देखिए दोस्तों, बहुत ही प्यारी गाय है, और आप कुछ ऑर्डर वगैरह भी दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, कितना मस्त ऑर्डर बना के रखा है गाय ने। अभी सुबह की मिल्किंग करवा ली है इसने, दोपहर का टाइम है, दोपहर के 12 बजे हैं, फिर भी देखिए दोस्तों कितना अच्छा ऑर्डर बना हुआ है गाय का। और बहुत ही सीधी गाय है, बिल्कुल भी मिल्किंग करवाते समय बिल्कुल भी ना पैर चलाती है और ना ही उसके पास खड़े रहो, जैसे उसकी गर्दन में गले में हाथ डालो तो बिल्कुल भी सर नहीं लाती कि ऐसे मारने के लिए सहारा। आप देख सकते हैं दोस्तों, जो गाय अपने अडर पे हाथ रखवा सकती है वो गाय फिर वो हरकत नहीं करेगी, मारेगी वगैरह नहीं। कई गायों की हरकत होती है कि उसके पास जाओ तो थोड़ा वो अपना रंग दिखाई देती है, थोड़ा सर वर मार देती है, तो इसका ऐसा नहीं है। देखिए दोस्तों कितने अच्छे से खड़ी हुई है, कहीं भी हाथ फेरो कुछ भी करो गाय बिल्कुल भी दिक्कत नहीं करती है, कोई भी मिल्किंग कर सकता है। हाँ, हैंड मिल्किंग भी करवा सकती है, मशीन मिल्किंग भी करवा सकती है। और जल्दी दोस्तों इसकी मिल्किंग का वीडियो हमारे चैनल पर आने वाला है, तो आप लोग उसको देखिएगा, प्यार दीजिएगा, अपना सपोर्ट दीजिएगा। और अब फाइनली आप लोगों को बताते हैं कि गाय ने क्या बच्चा दिया था। तो देख सकते हैं दोस्तों, इसका बच्चा ही बैठा हुआ है, अभी एक दिन के हैं बाबू। हेलो बोलो दोस्तों को, उस तरह को सर करके बैठा हुआ है दोस्तों। तो इतना ही कहने पर आप लोग समझ गए होंगे कि क्या है, तो मैं आप लोगों को बता ही देती हूँ कि बच्चिया नहीं है दोस्तों, बच्चा है, गाय ने बच्चा दिया है। हम लोगों को बहुत ज़्यादा ही आशा थी भगवान बच्चिया आ जाए, पर क्या कह सकते हैं भगवान की, बच्ची पर बच्चिया होती तो ज़्यादा और ज़्यादा खुशी थी,
और बच्चा भी अच्छा है, जो दिया भगवान ने अपनी इच्छा से अच्छा है। देखिए दोस्तों, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता रही थी, हमारे यहाँ पचोखरा की पशु मंडी होती है, वहीं से सारी गाय खरीद के ले आते हैं। पचोखरा और पशुपुरा, ये दो मंडियों से हमारे यहाँ पर गाय आती हैं ज़्यादातर। यह पहले पशुपुरा मिलता है, उसके बाद पचोखरा मिलता है। तो जैसे पशुपुरा में अच्छी गाय मन की नहीं मिलती है तो फिर उधर से ही चले जा, दो दिन का सफ़र होता है। तो गुरुवार को पशुपुरा की मंडी लगती है और शुक्रवार को पचोखरा की मंडी लगती है, तो वहीं से गाय लेके आते हैं। तो दोस्तों शुक्रवार को गाय आ गई थी, तीन चार दिन बच्चा नहीं दिया, तो उन लोगों ने तो बोल दिया था कि जिससे गाय खरीदी थी कि बच्चा देने ही वाली है, शायद रास्ते में ही बच्चा हो जाए, पर तीन चार दिन निकल गए। तो मुझे तो बहुत टेंशन होने लगी कि बच्चा क्यों नहीं दे रही, और इसको बहुत तकलीफ भी दोस्तों बहुत ज़्यादा हुई, दर्द इसको बराबर हो रहा था, पेन, डॉक्टर भी देखने आए थे, इलाज वगैरह भी कराया था और दवाइयाँ भी पिलाई थी, फिर जाके कहीं जाके बच्चा हुआ। तो कल का नज़ारा तो बहुत ही भयानक था, कल गाय को बच्चा हो रहा था तो गाय तो ऐसे ही पूरी बेहोश हो गई थी बच्चा देते समय, इतना है कि गाय को इतनी तकलीफ हो रही थी, पर भगवान ने सब अच्छा कर दिया है, बच्चा आराम से हो गया गाय का, और अब गाय भी ठीक है, गाय अपना चारा पानी भी थोड़ा बहुत खा लेती है, अब 8-7-8 दिन में खाने पीने पर आ जाएगी, फिर मिल्किंग पर भी आ जाएगी दोस्तों। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अब मिलेंगे मिल्किंग के ब्लॉग में, अब इसी गाय की, सबसे पहले इसी गाय की मिल्किंग का ब्लॉग आएगा, तो आप उसको देखिएगा, अच्छा लगे तो उसको लाइक करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नमस्कार दोस्तों।